हेलो फ्रेंड्स, द बर्निंग इश्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए नज़र डाल लेते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर पे। आइए देखते हैं कौन सारी न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है, ग्रोथ हैज़ फॉलन बट गवर्नमेंट कैन रिवर्स ट्रेंड। पीएम ने कहा है, पीएम को काफ़ी दिनों से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था इनकी नीतियों को लेके, चूँकि हमारी ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रही है, स्लिप्ड हो रही है। सो उसको लेके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, इसके अलावा अरुण शौरी और कुछ लोग हैं, उन्होंने काफ़ी आर्टिकल लिखे। सो एक मौका था उन्हें जवाब देने का, तो प्रधानमंत्री ने काफ़ी अच्छे अंदाज में जवाब दिया है इन लोगों का। और इन्होंने देखिए कुछ फैक्ट्स भी रखे हैं। इन्होंने कहा है कि हाँ, सबसे पहली बात इन्होंने जो कही है, इंटरेस्टिंगली इन्होंने कहा है, कुछ लोगों को निराशा फैलाने में मज़ा आता है और उसके बिना उन्हें नींद नहीं आती है। इन्होंने हिट किया है ऐसे लोगों को जो इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने फैक्ट्स में ये बात कही है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब ये ग्रोथ जो है वो कम हुई है, 5.7 हुई है। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब ग्रोथ में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं वो फैक्ट्स के फॉर्म में रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है कैश टू जीडीपी रेशियो वो कम हुआ है, यानी कि वो 12% जो पहले था वो अब कितना हो गया, 9% हो गया है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हम नेसेसरी स्टेप जो है वो हम ले रहे हैं ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा जीएसटी में जो इशू आ रहे हैं उसको भी सॉल्व करने की प्रॉब्लम हम जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि फिस्कल स्टिमुलस तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट इवन दो हम जो सेक्टर्स जो डिस्ट्रेस में है उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि सिटीज़ पिक्ड अप इन अर्बन एंड रूरल डिमांड इन द पास्ट पास्ट 3 मंथ। और ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में रूरल और अर्बन में की डिमांड में तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि दोज इंस्टेंसेज ऑफ द स्लो ग्रोथ वर इवन मोर डेंजरस, ही सेड, एज इट केम एट अ टाइम व्हेन इंडिया वाज ट्राइंग टू डील विथ हायर इन्फ्लेशन, करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। ये कह रहे हैं कि वो मौके या वो वक्त तो और भी ख़राब थे जब इंडिया फेस कर रही थी इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन थे, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट भी काफ़ी ज़्यादा थे, और उस वक्त हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही थी, तो वो तो टाइम और भी बुरे थे। तो ये एक तरीके से मनमोहन सिंह का, और ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसा भी टाइम आया जब वन टाइम अ पार्ट ऑफ इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो फ्रेजाइल फाइव भी कहा गया उसे। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में और मैं इन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। खैर, ये हमारे काम का ये है कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि वो स्लिप डाउन हो रही है, वो कितनी है, 5.7 है। इसके अलावा ये देख लेते हैं हम, ये अगली न्यूज़ हमारी, ये देखिए ये न्यूज़ जो है आरबीआई की जो क्वार्टरली जो मौद्रिक समीक्षा होती है उसमें इन्होंने क्या किया है। इन्होंने ये कहा है, रेपो रेट को देखिए, इन्होंने सारे जो रेट्स हैं इसको अनचेंज रखा है, बेंचमार्क जो इनके रिपर्चेज और रेपो रेट दोनों को 6% रखा है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोस्तों, ये कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और रिजर्व बैंक इंडिया ने इसको फॉर्म किया है। और ये क्या करती है, ये जो इंटरेस्ट रेट हैं उनकी बेंचमार्क को फिक्स करती है, और इसकी मीटिंग साल में 4 बार होती है, यानी कि हर 3 महीने पे ये मिलते हैं। और दूसरी बात ये है इससे रिलेटेड कि ये जो कमेटी होती है इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 ऑफिशियल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो कमेटी है ये क्रिएट हुई 2016 में, और ये क्रिएट हुई थी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। और जो मॉनिटरी पॉलिसी की जो मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये कमेटी गठित हुई थी 2016 में। सो दोस्तों ये याद रखें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यही जो होती है वो इंटरेस्ट रेट के बेंचमार्क को फिक्स करती है, और ये 4 टाइम्स इन अ ईयर यानी 3 3 महीने पे मिलती है, और ये 2016 में
इसका फॉर्मेशन हुआ था और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये तो रहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड, और हम ये देखते हैं इस कमेटी ने कहा क्या है। देखिए, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था 6 पॉइंट, उसको इन्होंने 6.7% इनका अनुमान है, इसकी फोरकास्टिंग की है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है जो CPI इन्फ्लेशन है वो 4.2, 4.6 रहने का इन्होंने अनुमान बताया है। देखिए दोस्तों, रेपो रेट जो है, रेपो है 6%, रिवर्स रेपो है 5.7%। इसके अलावा जो CPI इन्फ्लेशन है वो 4%। तो ये हमारे डेटा रहे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो इकोनॉमी विल रिकवर इन 6 मंथ, गडकरी ने कहा है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे लिए कुछ खास नहीं है। आइए आते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारी, देखिए जयशंकर जो है हमारे एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी, वो भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। सो उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ थी। इसके अलावा आप ये राइट में देखें तो ये हमारे जो रजनीश कुमार जी हैं उनको SBI का चीफ बनाया गया है। इससे पहले अरुंधति भट्टाचार्य थी, तो उनको ये रिप्लेस करके उनकी जगह ये लेने वाले हैं। और उसके अलावा जैसा हम कल भी वो हमने डिस्कस किया था, आजकल नोबेल प्राइज़ की लिस्ट आ रही है। सो कल जो दिया गया नोबेल प्राइज़, कल जो जिन लोगों की लिस्ट आई है उसमें देखिए केमिस्ट्री में दिया गया है, और केमिस्ट्री में ज्वाइंट फॉर्म में 3 लोगों को दिया गया है। उनके नाम मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो देखिए मैं जूम आउट जूम कर देता हूँ। रिचर्ड हैंडरसन हैं, इसके अलावा हैं जोकिम फ्रैंक और जैक्वेस डुबोकेट। और इनको दिया किस लिए गया है, इन्होंने बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी की थी, और इसके जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको इन्होंने बहुत ही एक तरीके से कहूँ तो इम्प्रूव फॉर्म में, या उसका जो शेप था वो जो पहले था, देखिए ये जो रिजोल्यूशन जो है ये बिफोर 2013, ये देखिए ये पार्ट ज़रा देखने की कोशिश कीजिए आप। और ये जो रिजोल्यूशन है एट प्रेजेंट, यानी कि जो स्ट्रक्चर ये था ये पहले ऐसा दिखता था, ये रिजोल्यूशन इसका जो था ऐसे था, और अब देखिए ये इस फॉर्म में दिखता है। सो इसी में इन लोगों को दिया गया है, और ये यूज़ इन लोगों ने किया है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, और सिंप्लीफाइज एंड इम्प्रूव द इमेजिंग। तो बायो मॉलिक्यूल्स की इमेजिंग को इन्होंने एक तरीके से सिंप्लीफाई किया है और उसकी इम्प्रूव किया है इस क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्कोपी का यूज़ करके। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। लिख रहे हैं बायो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स, DNA एंड RNA प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द लिविंग सेल, बट अंटिल द 1950s साइंटिस्ट हैड नो आइडिया वाट दे लुक्ड लाइक। सो दोस्तों ये कह रहे हैं 1950 तक, अब तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि जो ये हमारे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स DNA RNA, इन्हें ये तो पता था कि ये सेल में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कैसे देखने में है, यानी कि वो कैसे दिखते हैं ये नहीं पता था। उसके अलावा ये लिख रहे हैं ब्रेक थ्रू इन द फॉलोइंग ईयर्स हेल्प देम बिल्ड लिमिटेड मॉडल्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। तीसरी चीज़ ये लिख रहे हैं क्रायो ईएम ब्रोक दोज लिमिटेशन। सो ये जो क्रायो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इसने इस इनकी इन धारणाओं को ख़त्म किया और एक तरीके से उसको हमको इम्प्रूव फॉर्म में और रिजॉल्व फॉर्म में और बेहतर, मतलब उसको हम अब देख सकते हैं जैसा वो उसका वाकई स्ट्रक्चर है। सो ये तो रही न्यूज़ हमारी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। अब आइए अगली न्यूज़ जो है, देखिए ये न्यूज़ है 8 out of the 10 इंडियन हैरेस्ड ऑनलाइन। ये दोस्तों इट्स अ वेरी सैड पार्ट आवर सोसाइटी। ये कह रहे हैं कि 10 में से 8 जो बंदे होते हैं उनको ऑनलाइन ऑनलाइन हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, उनका शोषण होता है। और ये कुछ डेटा शो कर रहे हैं, देखिए ये लिख रहे हैं कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट वर फाउंड टू अब्यूज़ एंड इंसल्ट, यानी कि किसी को अपमान करना, किसी को गाली देना, इस टाइप की जो है वो 63% केसेस ऑनलाइन मिलते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और है, मैलिशियस गॉसिप एंड र्यूमर्स, यानी किसी पे भद्दे कमेंट वगैरह, गॉसिप और र्यूमर वगैरह फैलाना, इस टाइप के वो 59% है। इसके अलावा देखिए थ्रेट्स, मैलिशियस कमेंट्स, थ्रेट्स यानी किसी को धमकी वगैरह देना, इस टाइप के
54 और ट्रोलिंग 50% एंड अटैक्स एंड अब्यूज़ फ्रॉम कोऑर्डिनेटेड, यानी कि एक ग्रुप में एक तरीके से किसी को टारगेट बना के उसको ट्रोल करना और उस तरह अब्यूज़ करना, ये 49%। सो ये दोस्तों इट्स वेरी सैड कि ऐसे केसेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा इस पेज पे हमारे लिए कुछ खास नहीं है, आइए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज पे देखिए दोस्तों एक न्यूज़ यहाँ पे देखिए हो सकती है, प्रोक्योरमेंट फॉर्म प्रोड्यूस बिगेन। सो दोस्तों ये देखिए, राजस्थान टू पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओवर 165 प्रोक्योरमेंट सेंटर सेटअप, द गवर्नमेंट कमिटी गिविंग। तो ये राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ है, हालांकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एमएसपी क्या होती है। देखिए दोस्तों, एमएसपी वो होती है जिसपे फार्म जो प्रोड्यूस होते हैं उस पे गवर्नमेंट एक तरीके से रेट फिक्स करती है कि अगर आपको मार्केट में अगर आप बेचने जाते हैं तो अगर आपका प्रोड्यूस नहीं बिका तो हम एक मिनिमम रेट पे इसको ख़रीद लेंगे। सो वो होती है एमएसपी। दोस्तों इस पेज पे और कुछ हमारे लिए है नहीं। ये देखिए त्रिपुरा से रिलेटेड आ रही है, वहाँ पे फिर से माहौल ख़राब हो रहा है और वो कह रहे हैं कि त्रिपुरा गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस को फिर से सस्पेंड कर दिया है और ये हुआ है वहाँ पे वायलेंस हुआ है और उसकी वजह से लिया गया है, और उस जगह का नाम है खुमुलोंग जो कि अगरतला से काफ़ी करीब है। इस पेज पे भी हमारे लिए कुछ खास नहीं है, आइए बढ़ते हैं आगे। और इस पेज पे हम देखते हैं, देखिए ये गौरी केस, इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है। एक न्यूज़ ये थी, कलेक्टिंग बुक्स द क्राउड फंडिंग वे, पुस्तकालय पयत्तू। ये एक तरीके से यहाँ पे देखिए काजीकोड जो है केरला में, ये एक तरीके से एक इन लोग ये लोग बुक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, और एक लाइब्रेरी जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से इन्होंने फॉर्म की है, उसमें एक लाइब्रेरी इन्होंने बनाने का संकल्प लिया है और 10,000 बुक्स इनका 10,000 बुक्स इन्होंने इकट्ठा की है और इसमें लाइब्रेरी में इन्होंने रखने का प्लान किया। एक तरीके से बहुत अच्छा सोशल लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि लोगों को ये देखिए बुक्स खुद इसमें डोनेट करते हैं। इस टाइप की चीज़ें समाज में होनी चाहिए ताकि लोगों को जो एफर्ड नहीं कर सकते बुक्स को, जो पढ़ाई को एफर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। यही तो है दोस्तों सोशल सर्विस, और है क्या इसके अलावा। हमें भी सिविल सर्वेंट बनने का हमारा जो शौक, हम बनना चाहते हैं फाइनली, हमारी भी हमारे अंदर भी यही होना चाहिए कि हम फाइनली लोगों की सेवा करने के लिए ही जा रहे हैं इस सर्विस में। सो दोस्तों अगली पेज पे देखिए, मैंने कल भी कहा था कि फार्मर से रिलेटेड काफ़ी कुछ, कल भी हमने देखा था कि उनकी दुर्दशा जो है वो अभी भी बनी हुई है और गवर्नमेंट कुछ खास स्टेप नहीं ले रही। देखिए पुलिस इन एमपी स्ट्रिप्ड थ्रैश फार्मर, सो ऐसे ऐसे उनके साथ केसेस हो रहे हैं, पुलिस उनके साथ देखिए कैसे उनके कपड़े उतरवा के उनको उनके साथ भी मिसबिहेव कर रही है। ये एमपी की न्यूज़ है। इसके अलावा देखिए राजस्थान से भी न्यूज़ आ रही है कि इसमें देखिए वहाँ के जो हैं वहाँ के जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी लैंड एक्विजिशन के खिलाफ, और उन्होंने क्या किया है कि देखिए एक तरीके से कब्र बना के उसमें वो बैठे हुए हैं। तो ये सब काफ़ी, इट्स रियली शॉकिंग, ये बहुत गलत हो रहा है जो इनके साथ हो रहा है। इनकी गवर्नमेंट को इनकी कंसर्न्स को ध्यान देना चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, कोई काम का नहीं है। देखिए गंगा मिशन प्लान टर्टल सेंचुरी इन अलाहाबाद। तो अलाहाबाद में देखिए एक मार्की नेशनल सेंचुरी मिशन फॉर क्लीन गंगा विल स्टेबलाइज है, टर्टल सेंचुरी स्टेबलाइज करने का प्लान बना रही है गवर्नमेंट वहाँ पे। और इसके अलावा रिच एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिवर गंगा और उसकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब एफर्ट किए जा रहे हैं। तो गंगा और यमुना और सरस्वती जानते होंगे आप सब, इलाहाबाद इन तीनों नदियों का संगम है। तो वहाँ पे देखिए फ्लोरा और फौना डाइवर्सिटी वहाँ पे काफ़ी है। तो देखिए क्या क्या वहाँ पे पाए जाते हैं, देखिए वहाँ पे टर्टल्स पाए जाते हैं, इसके अलावा गैंगेटिक डॉल्फिन भी, घड़ियाल, ये सब चीज़ें वहाँ पे पाई जाती है। सो दोस्तों याद रखें ये टर्टल सेंचुरी इलाहाबाद में, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1.34 करोड़ है। इसके अलावा एक और देखिए न्यूज़ है, पैनल ऑन वाटर रिसोर्सेज इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाइस चेयरमैन ऑफ जो नीति आयोग हैं, ये इस कमेटी को हेड कर रहे हैं और ये स्टडी कर रहे हैं कि हाउ टू बेटर यूटिलाइज
वाटर रिसोर्सेज यानी वाटर का यूटिलाइजेशन कैसे बेहतर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और इसके अलावा ये देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिड्यूस्ड फ्लड डैमेज इरोजन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फॉरेस्ट्री फिशरीज टूरिज्म इन सब चीज़ों का कैसे बेहतर यूज़ किया जा सकता है अप्रोप्रिएट वे में इनका मैनेजमेंट इनका रेगुलेशन वगैरह और इनको कैसे जैसे अगर हम जो फ्लडिंग की जो कंडीशन है नॉर्थ में उस पे वहाँ पे डैम वगैरह बना के उसको रेगुलेट करके चेक करके उसको हाइड्रो पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है इनकी। देखते हैं ये आगे इसमें देखिए एडिटोरियल है, एडिटोरियल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कमिंग टू नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट हाँ देखिए मोर चाइनीज़ बूट्स नियर डोकलाम। डोकलाम इशू हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि फिर वहाँ पे एक सुगबुगाहट मिल रही है कि वहाँ पे चाइनीज़ जो मिलिट्री पर्सन है वो वहाँ पे आने की उन लोगों की कुछ आहट सी लग रही है। ये लिख रहा है कि अमिड इंडिकेशन दैट चाइनीज़ मे हैव बीफ्ड अप देयर प्रेजेंस नियर द डोकलाम स्टैंड ऑफ साइट सिंस द डिसएग्रीमेंट मोर देन अ मंथ अगो। सो ये एक तरीके से मिलिट्री प्रिपेयरनेस के लिए एक न्यूज़ है। और इसके अलावा ये देखिए कुपुप लिख रहा है इन सिक्किम द क्लोजेस्ट पॉइंट टू दी डोकलाम प्लेटू से सबसे करीब का जो पार्ट है वो देखिए यही है कुपुप। और बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आरबीआई कीप्स इंटरेस्ट रेट अनचेंज। तो इंटरेस्ट रेट को हमने पहले भी बताया कि पॉलिसी रेट जो होते हैं रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट इसको आरबीआई ने क्या किया है अनचेंज रखा है यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसमें अंदर देखिए लिखा हुआ है कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट इज 5.9%। सो आप यहाँ से एक डाटा याद कर सकते हैं आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी जो रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा है कि कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट वो कितनी है 5.9%। इसके अलावा इस पे तो कुछ खास नहीं है हमारे लिए। ये सीबीआई एक्शन मेलाफाइड सेस कार्ति चिदम्बरम ये हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है। इकोनॉमी विल रिकवर इन 6 मंथ गडकरी ने कहा है। देखिए इसमें जो चीज़ है हमारे जानने जानने के लिए देखिए उन्होंने कहा है मिस्टर गडकरी सेड ही वुड आस्क मिनिस्ट्री ऑफिशियल टू क्लियर ऑल पेंडिंग प्रपोजल फॉर हाईवे एंड शिपिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट सो एज टू बूस्ट द इकोनॉमी। यानी कि देखिए मेन जो होता है पॉलिसी मेकिंग में ये जो पेंडिंग जो होते हैं पेंडिंग ही सबसे बड़ा ये कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं वो पेंडिंग होते हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी बैडली इफेक्ट होती है। सो दोस्तों इसके अलावा हनी प्रीत से रिलेटेड न्यूज़ कोई काम की नहीं। राहुल गांधी भी हमारे किसी काम के नहीं। हाँ पाकिस्तान लिविंग इन द पास्ट इंडिया टेल्स यूएन। देखिए हमारे यूएन में जो हमारे एक इंडियन डिप्लोमेट्स हैं इनाम गंभीर इन्होंने काफ़ी अच्छे अंदाज में जवाब दिया है। वहाँ के पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया वहाँ पे मलिहा लोधी देखिए वहाँ की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे हमारे सैयद अकबरुद्दीन हैं उसी तरीके से पाकिस्तान की मलिहा लोधी हैं। उन्होंने एक्यूज किया था इंडिया को कि इंडिया क्या है कश्मीर में टेररिज्म फैला रहा है। सो इसका जवाब इन्होंने इनाम ने दिया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया डिस्क्राइब्ड हर डायट्राइब एज लोनली वॉइस फ्रॉम द विल्डरनेस। यानी कि कहा है कि आप ही की सिर्फ एक आवाज़ एक क्राउड में एक भीड़ भाड़ में सिर्फ एक आप ही की आवाज़ सुनाई दे रही है मतलब कि सारे लोग चुप हैं और आप सिर्फ बोले जा रहे हो। तो एक तरीके से बहुत अच्छा इनका अंदाज था जवाब देने का। इसके अलावा सैयद अकबरुद्दीन ने यूएन रिफॉर्म में जो यूएन रिफॉर्म जो किया जाना है उस पर काफ़ी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से यूएन में भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है और हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको लाना चाहिए ना कि पार्ट बाय पार्ट।
और उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स जो हैं इसके अलावा चेंज उसमें चेंजेस के लिए बात की है, और हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में किया है, लेकिन फिर भी नो डाउट ये गुड स्टेप है और इसमें जल्दी से जल्दी इस पर काम करने की ज़रूरत है। यूएन रिफॉर्म मस्ट एड्रेस डीपर चेंजेस इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। सो इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन ने भी ये देखिए काफ़ी अच्छी बात कही है। इसके अलावा इधर देखिए एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को जूम कर दूं, ये जो न्यूज़ है बांग्लादेश से रिलेटेड ये देखिए आप। हाँ ये रही, बांग्लादेश ने क्या इंडिया और बांग्लादेश ने एक डील साइन की है। बांग्लादेश ऑन वेडनेसडे साइन 4.5 बिलियन लोन डील विथ इंडिया फॉर डेवलपिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एंड एजुकेशन। सो हमारे अरुण जेटली जो हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो वहाँ गए हुए हैं और उन्होंने ये डील साइन की हुई है। इसमें 17 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं और 500 मिलियन विल बी यूज फॉर सेटिंग अप न्यू इकोनॉमिक जोन फॉर इंडिया एंड अदर इन्वेस्टर। सो ये इसी को लाइन ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो। इसमें क्या होता है कि ये इन्वेस्ट करते हैं और ताकि यहाँ से हम इंडिया का से एक्सपोर्ट कर सके, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं। ये दोस्तों एक देखिए ईसी रेडी फॉर साइमल्टेनियस। हाँ ये देखिए ये भी न्यूज़ आप देख लें एक बार, इसको मैं जूम कर देता हूँ। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि वो रेडी है साइमल्टेनियस पोल्स बाई सितंबर। ये कह रहे हैं कि ये लॉजिस्टिकली इक्विप्ड हैं, यानी कि ये इनके पास सारी चीज़ें मुहैया हैं और ये सितंबर 2018 तक वो लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ कराने में सक्षम होंगे, ये वो कह रहे हैं। अब देखना है कि ये हो पाता है या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक न्यूज़ ये है, जम्मू कश्मीर लायर ओवर स्टेप्ड ब्रीफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए इन्होंने बहुत ही कुछ अपने हलफनामा एक दिया था वहाँ पे जो स्टोन पेंटिंग नहीं सॉरी, वहाँ पे कश्मीरियों पे जो पैलेट गन जो यूज़ होती थी उसके खिलाफ, तो उसमें क्या होता था कि देखिए यहाँ पे पैलेट गन लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ पैलेट गन कश्मीर, तो उसमें इन्होंने एक हलफनामा दिया था और उसमें कई ऐसी चीज़ें की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी एतराज़ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एतराज़ किया कि आप ये कैसे कह सकते हैं, और उन्होंने कहा ये था कि इंडिया का जो पाकिस्तान नहीं सॉरी कश्मीर का जो विलय हुआ है इंडिया में वो गलत तरीके से हुआ है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि वो जो इलेक्शन होते हैं वो सारे ही एक तरीके से मैलाफाइड हैं, या वो कह सकते हैं कि वो उनको आप कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज़्यादातर वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। सो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, कहा कि ये बातें आप कैसे कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगली न्यूज़ हमारी जो है, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ था, हाउ एवर द एफिडेविट फाइल्ड बाई द लॉ बॉडीज एक्यूसेज एसेशन ऑफ स्टेट। ये जैसे मैंने कहा ये विलय की जो बात हुई थी कश्मीर में, इसको इन्होंने कहा है, इस पर इन्होंने क्वेश्चन रेस किए। इसके अलावा रिगिंग ऑफ पोल्स, ये देखिए रिगिंग ऑफ पोल्स, और इसके अलावा मेजर्स टेकन टू सबड्यू प्रोटेस्ट, इन सब चीज़ों पे इन्होंने क्वेश्चन रेस किए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ा रवैया अख्तियार किया है। इसके अलावा सेंटर टू डिस्पोज ऑफ एक्सेस तूर दाल जो होती है उसका सेंटर ने क्या किया था, बफर स्टॉक में 18 लाख टन को रखा हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ कि अगले साल इस साल भी अब चूंकि नई फसल आने वाली है इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि उसमें से वो डिस्पोज करने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसको डिस्पोज करके उसको 10 लाख तक दिसंबर तक करने वाले हैं। और ये क्या करेंगे उसका, ये कह रहे हैं कि हम इसको बफर स्टॉक तो क्रिएट बफर स्टॉक पर्पस टू इंश्योर बेटर प्राइसेस फॉर फार्मर। इन्होंने इसीलिए बफर स्टॉक कर रखा था ताकि फार्मर्स को उसकी बेटर प्राइस मिल सके, और इसके अलावा जो सप्लाई होती है उनको यूज़ द स्टॉक ऑफ द ऑगमेंट लोकल सप्लाई व्हेन प्राइस, जब अगर प्राइस बढ़ जाए दाल की तो ये उसकी सप्लाई करके उसको नॉर्मल कर सके, इसलिए इन्होंने रखा था। लेकिन अब चूंकि ये ज़्यादा दिनों से रखा हुआ है इसके ख़राब होने के चांसेस हैं, इसलिए इसको ये डिस्पोज करने की बात कर रहे हैं। और हाँ ये कहाँ डिस्पोज करेंगे इसको, इन्होंने लिखा है कि डिस्पोज ऑफ दिस सम क्वान्टिटी टू दी स्टेट्स, कुछ क्वांटिटी स्टेट्स को देंगे एंड आल्सो यूज इन द वेलफेयर स्कीम, यानी जो वेलफेयर स्कीम चल रही होगी फूड फूड ग्रेन से रिलेटेड जैसे पीडीएस वगैरह उस पर ये
देंगे या डिस्पोज ऑफ करेंगे। और हमारे मिनिस्टर इसके कौन से हैं और किस मिनिस्ट्री में ये सब चीज़ें आती हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब चीज़ें आती हैं और फूड ग्रेन से रिलेटेड। और इसके मिनिस्टर हैं श्री रामविलास पासवान। हमारे लिए अगली न्यूज़ क्या है? देखिए दोस्तों, शूटर्स जो कि लास वेगास में जो अटैक हुआ था, जो एक म्यूज़िक कंसर्ट पे अटैक हुआ था, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, उसमें जो जिस जो अटैकर था उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ अब होगी और उससे पता चलेगा कि उसकी नीयत क्या थी, आखिर उसका इरादा क्या था, वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका रिलेशन था या नहीं था, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जिम मैटिस हैं यहाँ पे, देखिए राइट में, और ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा है कि ISI हैज़ कनेक्शन विथ टेररिस्ट ग्रुप्स। सो ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, जिम मैटिस नाम है इनका। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड हैं। इन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है कि आप बाज आ जाइए, और आपके इन्होंने खुले अंदाज में कहा है कि आपके टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्शंस हैं। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़, जापान से रिलेटेड है। जापान की नीयत है सिल्क रोड में शामिल होने की, और ये लिख रहे हैं कि टोक्यो जो है, अवॉइडिंग द जीरो सम ट्रैप, जापान है सिग्नल इट्स इंटेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ द। तो ये है चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका फ़ायदा लेने की कोशिश जापान करना चाहता है। और ये लिख रहा है, इसके अलावा ये भी लिख रहे हैं कि टोक्यो हैज़, ये देखिए जो मैंने वो कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, टोक्यो हैज़ सो फार डेजिस्टेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द चाइना इनिशिएटेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB जो है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसमें चाइना अब तक पार्टिसिपेट करने से बचता रहा है। लेकिन और ये वही बैंक है जो इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है। सो ये कह रहे हैं कि अब एक तरीके से चाइना अपने अपनी नीयत को बदल लिया है, एंड चाइना इज सेंडिंग इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर रिवाइविंग टाइज विथ बीजिंग, यानी कि अपने रिश्ते बीजिंग के साथ, चाइना के साथ सुधारने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर आबे ने अभी क्या हुआ था, चाइना का जो नेशनल डे मनाया गया था उस पर मिस्टर आबे यानी कि जो जापान के PM हैं, उन्होंने वहाँ पे एक सरप्राइज विजिट भी की थी। सो ये तो थी न्यूज़ जापान से रिलेटेड। आगे देखिए फिर वही न्यूज़ जो थी, जो नोबेल प्राइज़ विनर जो है, उन्होंने जो माइक्रोस्कोपिक देखिए इसमें पिक्चर दिखाई है उन्होंने, और वो यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू जनरेट 3D इमेज ऑफ द प्रोटीन। ये देखिए हाथ में लिए हुए हैं पिक्चर, और 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा देखिए, इंडिया शुड नॉट फॉल फॉर US डिज़ाइन। हामिद करजई जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, इन्होंने कहा है कि इंडिया को अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए इंडिपेंडेंटली, और ये हमारे मतलब अफगानिस्तान से रिलेटेड जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसको US के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। हामिद करजई सेड इंडिया शुड नॉट बी पुल्ड इन टू US अप्रोच टू अफगानिस्तान बट शुड मेंटेन इंडिपेंडेंट अप्रोच। तो इनको अपनी इंडिपेंडेंट अप्रोच रखने की ज़रूरत है और US के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये भी लिख रहे हैं कि इंडिया हैज़ रूल्ड आउट डिप्लॉइंग, इंडिया ने अभी जैसे रूल्ड आउट कर दिया है कि यहाँ पे, चूंकि US ने कहा था इंडिया को कि आप अपने ट्रूप अफगानिस्तान भेजिए, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था, तो उसी को ये कह रहे हैं कि इंडिया रूल्ड आउट डिप्लॉइंग ट्रूप्स बट हैज़ सेड दैट इट विल एक्सपेंड डेवलपमेंट एंड मेडिकल असिस्टेंस। और तो हालांकि इंडिया ने अपने सिर्फ ट्रूप को डिप्लॉयमेंट से मना किया है, यानी कि उनको डिप्लॉय करने से वहाँ पे मना किया है, लेकिन वो मेडिकल असिस्टेंस या जो उनको सहायता देते आए हैं वो देते रहेंगे, इनका ये कहना है। सो आगे लिख रहे, मिस्टर करजई रिट्रेटेड हिज कंसर्न अबाउट द न्यू US पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान, वार्निंग दैट इट वुड नॉट ब्रिंग पीस बट वनली कॉज मोर सफरिंग टू द अफगान। ये जो कह रहे हैं कि जो नई पॉलिसी है US की वो हमारे लिए एक तरीके से पीस नहीं बल्कि एक तरीके से हमारे लिए परेशानियां लेके आएगी। सो ये उसके लिए थोड़ा सा इनको दिक्कत है, इन्हें थोड़ी सी इनको कंसर्न है उससे, और थोड़ा सा चिंतित है ये कि उनकी पॉलिसी, हालांकि अब तक जो आपको पता होगा इस्तांबुल प्रोसेस जो है
हार्ट ऑफ एशिया, ये अफगानिस्तान में, और इस अफगानिस्तान के लिए स्पेशली होता है वहाँ पे पीस लाने के लिए। लेकिन ये देखिए अभी जो ट्रंप की जो पॉलिसी है उससे थोड़ा सा ये चिंतित हैं, थोड़ा इनकी वरिष्ठ सामने देखने को मिल सकती है। उसके अलावा देखिए आरबीआई से रिलेटेड है, आरबीआई फ्लैश बैंक फॉर कीपिंग रेट्स हाई। आरबीआई ने कहा है, एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है कि आप बैंकों ने जो रेट्स जो हाई कर रखा है उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुडे फ्लैट लेंडर्स फॉर कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स हाई एंड फ्लैग्ड कंसर्न ओवर द बेस रेट एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, MCLR। हम आइए जान लेते हैं MCLR होता क्या है। सो देखते हैं MCLR के बारे में, व्हाट इज़ MCLR। तो MCLR देखिए जो होता है ये एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है बैंक का, जिसके नीचे बैंक जो है वो लोन नहीं दे सकती, एक्सेप्ट इन सम केसेस अलाउड बाई RBI। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, तो आपको उसके लिए RBI से परमिशन लेनी होगी। और इट इज़ इंटरनल बेंचमार्क और रेफरेंस रेट फॉर दी बैंक। सो दोस्तों ये देखिए MCLR हमने समझा क्या होता है, एक मिनिमम बेंचमार्क रेट होता है जिससे कम RBI किसी को, RBI नहीं सॉरी बेंच बैंक बैंक किसी को लोन नहीं दे सकती। सो ये कह रहे हैं कि इंटरनल बेंचमार्क सच एज बेस रेट MCLR हैव नॉट डिलीवर्ड इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। सो ये कह रहे हैं कि ये जो MCLR है, इसके अलावा ये MCLR और जो बेस रेट है ये इंटरनल बेंचमार्क माने जाते हैं, और इनको ये कह रहे हैं कि ये हमारी मॉनिटरी पॉलिसी में इनका इफेक्ट जैसा हम सोचते थे वैसा नहीं है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग ये डिलीवर्ड नहीं हो पा रहे हैं और वैसा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। सो इन्होंने कहा है कि कुछ इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। और RBI इंट्रोड्यूस MCLR, देखिए कब इंट्रोड्यूस किया था RBI ने, 2016 में, आफ्टर फाइंडिंग द देन प्रिवेलिंग बेस रेट हैड फेल्ड। तो उस वक्त बेस रेट जो था उसको वो ये मान रहे थे कि वो फेल हो गया है, तो उसकी जगह MCLR लेके आए थे 2016 में, फॉर इजियर एंड फास्टर पॉलिसी ट्रांसमिशन। सो इसके लिए ये लेके आए थे, लेकिन अब ये इन्हें लग रहा है कि ये भी अब काम नहीं कर रहा है। आगे देखिए, FM टू आस्क स्टेट्स टू कट वैट ऑन फ्यूल्स। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक तरीके से स्टेट से कहा है कि आप अपने वैट को कम कीजिए ताकि कंज्यूमर को इसका फ़ायदा मिल सके। और ये किससे रिलेटेड बात हो रही है, ये पेट्रोल से रिलेटेड बात हो रही है दोस्तों। एक्साइज ड्यूटी जो है उसको क्या किया था सेंटर ने, 2 रुपये पर लीटर स्लैश किया था, यानी कि कम किया था। तो ये कह रहे हैं कि जब हमने कम किया है तो आप भी कम कीजिए ताकि इसका अल्टीमेट फ़ायदा कंज्यूमर को मिल सके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, आप जो ये है हाईलाइटेड है, ये देखिए 14th फाइनेंस कमीशन दे गेट 42% ऑफ द सेंट्रल एक्साइज कलेक्शन। सो ये दोस्तों याद रखने की चीज़ है, 42% ये फाइनेंस कमीशन जिनने जो रिकमेंड किया था उसको गवर्नमेंट ने स्टेट को सेंट्रल एक्साइज कलेक्शन के से नहीं, ये देखिए 14th फाइनेंस कमीशन जहाँ के रिकमेंडेशन का जो था 42% ऑफ सेंट्रल एक्साइज कलेक्शन उन्होंने दिया था। तो ये कह रहे हैं कि हमने आपको असिस्टेंस दे रहे हैं लेकिन आप उसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आइए देखते हैं अगले पेज। अगले पेज पे GST नेटवर्क से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें देखिए क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है। GST की जो जो डेट है इसे फाइल करने की वो निकलती जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ कुछ ही लोगों ने उसको फाइल किया हुआ है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केम इनटू इफेक्ट ऑन July 1। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब आया था ये इफेक्ट में, वो 1 जुलाई को आया था। और देखिए ये जो कुछ डेट लिखी हुई है, GSTR1 इज आउटवर्ड एंड सेल्स एंड जी हाँ क्या क्या, देखिए GSTR1 है ये है आउटवर्ड एंड सेल्स रिलेटेड, GSTR2 है ये परचेज से रिलेटेड। सो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत, हालांकि इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकती है। और ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि ये मेनली ये न्यूज़ जो है वो GSTR की जो है, ये देखिए GSTR फाइलिंग डेडलाइन ये इससे रिलेटेड है। और इसमें ये कह रहे हैं कि इसकी डेडलाइंस निकलती जा रही है लेकिन बहुत ही कम लोगों ने है, देखिए ये 13 लाख लोग हैं जिन्होंने फाइल किया हुआ है,
रिटर्न टू सिंगल डे एक दिन में। तो उसके अलावा ये इसमें मतलब मेन इनका कंसर्न यही है कि ये GSTR जो है इसकी जो फाइलिंग है वो रेट काफ़ी कम है, और इन्होंने इन्फोसिस वगैरह और जो GST है इन लोग को इन्फॉर्म कर रखा है कि बाद में अचानक से भीड़ बढ़ सकती है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ थी, कुछ खास काम की नहीं। GST इज़ हर्टिंग यूज्ड कार बिजनेस। हाँ ये देखिए, GST जो है ये जो ओल्ड कार बिजनेस था, जो यूज्ड कार बिजनेस होती है जिसे हम लोग सेकेंड हैंड कहते हैं, उसके बिजनेस को ये हर्ट कर रही है। और कैसे हर्ट कर रही है, क्योंकि ये जो कारें होती थी पहले इन पे 5% वैट लगता था, और अब इसको ट्रीट किया जाता है एज अ न्यू कार। सो एज अ न्यू कार अब ट्रीट किया जाता है, यानी कि अब इस पे आप इनको 28% देना पड़ता है GST। सो इसलिए इनका बिजनेस काफ़ी इससे अफेक्ट हुआ है। इस पेज पे हमारे लिए कोई खास न्यूज़ नहीं है। आगे आते हैं स्पोर्ट न्यूज़। स्पोर्ट न्यूज़ हमारे लिए होती है इम्पोर्टेंट, बट कभी कभी। और मेरे ख्याल से बस आज इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय। और वही फिर से एक बार रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आपको ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।